गर्मी की शुरुआत होते ही सबके मुंह में मैंगो शेक के लिए पानी आ जाता है। मैंगो शेक सभी को बड़ा पसंद है, लेकिन तरीके से बनाया जाए तो बच्चे भी क्या करते हैं, बड़े चाव से पीते हैं। तो आज हम एक खास ट्रिक से बताते हैं कि आप मैंगो शेक बनाएं, वो आपका एकदम परफेक्ट बने, बिल्कुल बीच में उसके लम्स ना आए और बच्चे बड़े प्यार से खाए। तो चलिए, गर्चना नारी चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कि मैंगो शेक। तो मैंने लिया एक बड़े साइज का मैंगो और ये बिल्कुल पका हुआ है। ध्यान रहे, जब भी आप मैंगो शेक बनाते हैं, आम आपका पका होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। और इस इतना मैंगो है तो मुझे 3 कप बनाने हैं, तो मैंने 3 बड़े चम्मच ले लिए चीनी और ये मैंने कुछ अपने चिया सीड्स के है वो मैंने पानी में भिगो दिए। थोड़ी देर में ये बिल्कुल फूल के तैयार हो जाएंगे, ये भी इसके ऊपर डालेंगे। और मैंने ले लिया दूध, कम से कम मैंने 3 कप दूध लिया है और मैंगो। और मैं जाके 3 बंदों के लिए बिल्कुल तैयार करती हूँ मैंगो से। सबसे पहले हम बहुत ही येलो येलो यमी बहुत ही स्वादिष्ट पका हुआ मैंगो है उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम लेंगे मिक्सी का जार और इसका पूरा का पूरा गुद्दा निकाल के हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। देखिए इस तरह चम्मच से निकाल के मैं इसमें डाल देती हूँ। आप सोच रहे हैं काले काले क्या है, तो देखिए जो मैंने अभी चिया सीड्स के बीज भिगो रखे थे ना, तो ये चम्मच उसमें रखी थी, तो ये काले काले उसके हैं। आम बिल्कुल अंदर से क्लियर है, साफ है, पका हुआ है और किसी तरह से ख़राब नहीं है। अब देखिए सारे आम मैं काट लेती हूँ इस तरह, और काट के पूरा का पूरा पल्प निकाल के मैं डाल देती हूँ, मिक्सी के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि इसी से ही स्वादिष्ट बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा हमारा मैंगो शेक बन के तैयार होगा। अब देखिए पूरा गुद्दा निकाल के हमने मिक्सी के जार में डाल दिया, चीनी डाली। अब इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि पहले दूध बाद में डालना, पहले इसको अच्छे से पीसना है। यही बहुत सारी गलतियां होती है कि हम साथ में दूध डालते हैं तो मैंगो ना कई बार टूटता नहीं है, बीच में गुठलियां उसके अंदर आ जाती है तो बच्चे खाते नहीं। तो एक बार चम्मच से बिल्कुल चेक कर लेना कि मैंगो आपका परफेक्ट पेस्ट बना है या नहीं बना। अब मैंगो का पेस्ट बन गया, अब इसमें आप डाल दीजिए दूध। अब दोबारा से मिक्सी का ढक्कन लगा के आप इसको अच्छे से चला लीजिएगा। बस चलाने के बाद कोई काम नहीं है, आप गिलास लीजिए, मग लीजिए, जिसमें डालना है उसमें आप डालिए और मज़े से आप इंजॉय करिएगा। चलिए ऊपर से डाल देते हैं हम चिया सीड्स थोड़े थोड़े, और चिया सीड नहीं पसंद तो आप बादाम की कतरन, काजू की कतरन, टूटी फ्रूटी कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मुझे चिया सीड पसंद है। गर्मी में ना ये बहुत ही हेल्दी होती है, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, चिया सीड्स का इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो 2 गिलास मैंने बनाए चिया सीड वाले। बेटे को ये पसंद नहीं है तो उसके लिए देखिए मैं अलग से बनाती हूँ प्लेन वाला। चलिए आप भी पी लीजिए, स्वस्थ रहिए।